Hey guys, what's up? I hope you guys are doing absolutely fine and I hope you guys are sanitizing your hands because of the coronavirus situation. I'm in Bali right now. This is officially my first day, landed here last night, and I'm at this place called Costa Hostel. It's not a luxurious place, it's a hostel, but it's pretty decent for the price. I have a couple of things planned for today, but before heading out, I'll give you a quick hostel tour. So the best way to explore Bali is on a scooter. So I've rented a scooter for myself. ये दो दिन के लिए किया है, सिर्फ सिटी के लिए. और यहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस पे ना स्कूटर रेंटल पे है और बहुत इजीली बार्गेन भी कर लेते हैं, तो कुछ खास प्रॉब्लम हुई नहीं. अब स्कूटर रेंट तो इसलिए किया था कि चलो भाई सनसेट देख के आते हैं, बट वेदर एकदम से इतना क्लाउडी हो गया तो आई डोंट थिंक सनसेट प्रॉपरली दिखेगा, बट जो भी है देख के आते हैं. When you're riding a scooter or driving a car in a foreign country, you tend to notice so much more about that city, जो हम वैसे taxi में शायद करते ही नहीं है. Anyway, I made it to the Kuta beach और यहाँ पे thankfully sun दिख रहा है, यहाँ पे cloudy नहीं है, तो sunset बहुत सही होने वाला है. ये बहुत सुंदर है. आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिखेगा, बट बहुत सुंदर है. सनसेट तो हो चुका है, इट वॉज टोटली वर्थ कमिंग हियर. क्या लग रहा है, मतलब एकदम गोवा वाली फील आ रही है. वही बीच, वही बियर, वही मसाज. हालांकि मैं कभी गोवा गया नहीं, बट अब लगता है गोवा जाता तो बिल्कुल ऐसा ही लगता. ये ना मैं पूरा दिन कर सकता हूँ. आई थिंक देयर शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलैक्सिंग एंड साइट सीइंग ऑन अ वेकेशन. और ये बात काफी लोग भूल जाते हैं. सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ऑन अ वेकेशन, डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स यार. बहुत ज़्यादा गर्मी है आज. इट इज़ करंटली 31 डिग्रीज, बट इट फील्स लाइक 40, तो पता नहीं 40 क्यों नहीं है. एनीवे, तीन जगह जाना था आज, बट आई प्रॉब्ली गो इन अ कपल ऑफ आवर्स, थोड़ी गर्मी कम हो जाए. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट हियर एट द हॉस्टल एंड फूड हियर इज अमेजिंग. Okay, so I've come to this place called Flapjacks. This place is actually famous for pancakes and gelatos. I am not a big fan of pancakes, but I like gelatos. So let's try this out. और मुझे अभी पता चला कल जो बीच आए थे कूटा बीच, ये exactly उसके opposite है. कल पता होता तो time बच जाता. Okay, so my food is here and this is something I wouldn't order otherwise. So here I have double chocolate waffles with Oreo ice cream and strawberry cheesecake milkshake. Waffles maine try kar liye hain, they are pretty good, and let's try the strawberry milkshake now. It's all right. It's not that good, but waffles are good. The ice cream is pretty good. ओके, सो दो चीज़ें बताता हूँ. येस्टरडे आफ्टर दैट हैवी लंच आई फेल सिक. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, प्लस आई वॉज डिहाइड्रेटेड ऑल्सो, सो आई डिडंट वांट टू रिस्क इट. सो आई केम बैक टू द हॉस्टल, टुक अ मेडिसिन, वेंट ऑफ टू स्लीप. अब थोड़ा ठीक है. एंड सेकेंडली, रात को वन ऑफ माई रूममेट्स टोल्ड मी दैट उसको किसी से पता चला है कि दे माइट बी शटिंग डाउन द बाली एयरपोर्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो द लास्ट थिंग आई वुड वॉन्ट इज टू गेट स्टक इन अ फॉरन कंट्री. तो मैंने कहा भाई अब ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं घर चलते हैं. सो ये जो ट्रिप था 16 दिन का, अब ये छोटा 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 होके 5 दिन का बन गया है. एंड आई एम गोइंग बैक डे आफ्टर टुमारो. अब सिर्फ 3 दिन है, एक्चुअली 3 दिन भी नहीं है, उससे भी कम है. और अब जितना देख सकता हूँ उतना देखना है. सो कल और परसों के लिए आइटिनरी मैंने बना लिया है, प्लानिंग कर लिया, बुकिंग कर लिया है. सो या इट इज़ गोइंग टू बी अ फन
packed couple of days. So without wasting much time, let's go. Bali is actually famous for its breakfast and I thought, let's go to the hostel and go out and breakfast. So I've come to this place called Watercress. This was recommended to me by my friend Yash. So I ordered their breakfast set. It's काफी सही लग रहा है और भूख भी बहुत लग रही है. तो शुरू करते हैं. Very filling and inexpensive meal. I think I paid about 500-550 rupees, which in my opinion for that sort of breakfast is very cheap. Yahan pe 90% of the roads na single lane hai, jabki ye main road hai. This is supposed to be a highway aur ye single lane hai, but ye bahut sundar jagah hai yaar. Greenery dekh rahe ho. तो जहाँ मैं अभी आया हूँ ना, ये जगह जहाँ ब्रेकफास्ट किया था वहाँ से 20 किलोमीटर्स दूर है. सो मेरे को 40-45 मिनट्स लगे यहाँ आने के लिए. और अगर आपको पता चलेगा मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, हंस दोगे यार. सो आई हैव कम टू दिस प्लेस टू ट्राई द वेरी फेमस लुवाक कॉफ़ी. अगर बाली आए और लुवाक कॉफ़ी ट्राई नहीं करी तो बाली आए क्यों. सो दैट्स अ कैट राइट देयर. सो लुवाक कॉफ़ी क्या होती है, इट्स मेड फ्रॉम कैट पूप. तो कैट को इन्होंने यहाँ रखा है. और एक चीज जो वहां पे नहीं बताई, इट्स मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स दैट आर पार्शियली डाइजेस्टेड एंड देन पूप्ड आउट द नेक्स्ट डे बाय दीस कैट्स. इसको पहले रोस्ट करते हैं, फिर क्रश करते हैं एंड दैट्स इट. एवोकाडो टी वेरी गुड. लोगों को पसंद नहीं आती. आई लाइक ब्लैक कॉफी विद मिल्क. दे एक्चुअली हैव अ शॉप हियर. अगर आपने जो भी कॉफी ट्राई करी या टी ट्राई करी, इफ यू वांट टू बाय इट, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर. Temple is actually by the sea. This was built to worship the sea god Bhadra Sigara. And first impressions, it's huge. So there's a small balcony here from where you get the view of the temple and the sea. It looks beautiful. There's also a sunset point here, but sunset abhi hone mein 2-3 ghante hai, so I don't think I'm gonna wait for that long. So bas temple dekh ke wapas. टाइम पे आ गए, एकदम से बहुत तेज बारिश होने लग गई. नारियल पानी पी लिया, अब बस वेट कर रहा हूँ कि बारिश बंद हो तो निकलूँ. वैसे तो इसके बाद बीच जाना था, बट बारिश होती रही तो आई डोंट थिंक मैं हॉस्टल भी पहुँच पाऊँगा. पता नहीं, देखते हैं.